अच्छी मेरा है ठीक है, कोई मुझसे पंगा नहीं ले सकता यहाँ पे। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो यंग स्टारर के ट्रैक पे होने वाला है, जो कि है कराची चल। तो यंग स्टारर हमको अभी कराची लेके जाने वाले हैं, तो देखते हैं ये ट्रैक कैसा होने वाला है। इसमें तलाय अंजुम, तलाय यूनिस हैं और फीचरिंग यास YS, यस प्रोड्यूस बाय मोमिन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो साइड में आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। और प्लीज मेरे व्लॉग चैनल को भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है पता नहीं क्यों, तो देखते हैं अब इस वीडियो को शुरू करिए। सो स्टार्ट। Yeah, it's your boy Yas. Young Stunners. I claim, so you wanna claim. We taught him how to rap about your pain. Young, stunning, the silent, I'm still running. Tumhe shak hai to Karachi chal, Karachi chal. Aake dekh kiska zor hai Karachi par. Okay. Hey, chhod kal, tu aaj hi chal. Mere aage Karachi, Karachi na kar shabahur. कराची चल, कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। ये छोड़ कल, तू आज ही चल, मेरे आगे कराची, कराची ना कर। तीर के कमान जैसे कलमदान, अलम ऊंचा तो कौन हुआ अलमदार। मेरे यार सरहद पार से भी भेजे प्यार, दिल टूटा तो फिर जाके नोट जुड़े चार। हम ब्लेड से लड़ते थे स्कूल के बाहर, अब ब्लेड की तरह ही स्वाइप होते मास्टर कार्ड। अब स्टेज फ्राइट कम फ्राइटनिंग स्टेज से ज्यादा। आई टैटू एन ए के सो आई फील लाइक राजा। कौन बीफ शुरू करे, कौन एंड करे, किसके चार गाने बैक टू बैक ट्रेंड करें। ग्राइंड करें, लॉ तोड़े, फाइन भरे, माइंड ओवर मैटर और हम काबिज तेरे माइंड पर। 2008 उर्दू रैप स्टार्ट, 2020 करता 8 फिगर चार्ज। प्रॉफिट मेरे नीट, आई डोंट नीड टू बी अ स्टार। Dumb motherfuckers, सिर्फ फोन इनके स्मार्ट। Day one motherfuckers, अभी छिड़के जान, जहाँ गया नहीं वहाँ भी है जान पहचान। कराची मेरा ही है बेटा, तू मान ना मान, तेरा सीन सेंटीमीटर, तू झांट बाई झांट। I claim, so you wanna claim. We taught him how to rap about your pain. Young, stunning, 10 साल and I'm still running. तुम्हें शक है तो कराची चल, कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। छोड़ कल, तू आज ही चल, मेरे आगे कराची, कराची ना कर शबाहुर। कराची चल, कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। ये छोड़ कल, तू आज ही चल, मेरे आगे कराची, कराची ना कर। आरजी रैपरों का आना जाना फर्जी है, मेरे फ्लो में इतनी गर्मी, अंडरग्राउंड से मैं लेबल, आजकल वैरियों के लहजों में भी नरमी है। आके पूछ मेरा नाम, रियल लाइफ मेरे हाथों में जंजीरे और थानों में तस्वीरें हैं। मैंने जुर्मों से जो रंगी, मेरे हाथों की लकीरें हैं। रब से मांगी हैं दुआएं, मैंने बदली ये तकदीरें हैं। मैं देता गालियां, इंडस्ट्री वाले देते दोष, लिखे गीत मैंने भी गवा के होश। लॉर्ड स्पीड जब से हुए मेरे केस क्लोज, आजकल कॉल करते यार दोस्त। यासिर खान जैसे स्टार राजा, इंस्टाग्राम पे करे मेरी पोस्ट, न जाने क्यों मेरी एक्स करे टेक्स्ट रोज। पूछे हाल मेक्सिको से माफिया के ड्रग लॉर्ड, लेके ड्रग्स रोज, लिखे बोल मैंने कातला ना वर्स मेरे ड्रग डोज। यंग स्टनर्स रियल वंस मेरे दोस्त, कराची से एच टाउन आके पूछ मेरा नाम। गलियों में है छापे मील रियल रैक्स, अहमियत मुझे वक्त की खरीदी मैंने कीमती रोलेक्स। एसयूवी ट्रंक में कोक पाउंड पैक, बिग बैग्स, 3 केस लेके फिरूं बारा बोरा लमा नट्स हैंग। I claim, so you wanna claim. We taught him how to rap about your pain. Young, stunning, 10 साल and I'm still running. तुम्हें शक है तो कराची चल, कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। ऐ छोड़ कल, तू आज ही चल, मेरे आगे कराची, कराची ना कर शबाहुर। कराची चल, कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। ये छोड़ कल, तू आज ही चल, मेरे आगे कराची, कराची ना कर। पत्थर पे लकीर जैसे, पत्थर को आग दूं, ये लफ्ज मेरे अखीर जैसे। वो फकीर कैसे
जो मुनाफे के मुनाफे पे हम दर्दी के लिए फाके बे ये खुदा से करीब कैसे मेहनत कर सिला देने वाली जात वो खुदा से डरे नाकों से देखे अलात वो जैसे ही रात हो सड़कें सुनसान पिस्टल बार ये कराची वाले राज ब्रो फिर भी निडर बन के सड़कों पे आधी रात को ओए बीफ बर्गर कराची या फिर बातचोद स्टोरी पे नर बने अंदर से ये लाल गोश्त उगलता आग में नवाब मेरा माल खो जान हाजिर कराची मारे जान राजर तभी कराची के लिए जान हाजिर यासिर खान हाजिर अपना गैंग राजर हमने गए बान मादर लाइक डॉलर साइन क्वारंटाइन टी वाई राइम्स मादर छोड़ छोड़ मैं आज भी ऑन द रोड रोड पो पो हर नाके पेती रोक टोक ब्रोक रोक थे और वो मांगे नोट ब्रो म्यूजिक में पैसा नहीं था बेचने लगा डोप वोप ऑन द लो लो ये उसूल था खुद ही की मौत से परचम हुआ मजबूर था रूप पोश पैसा नेमत पहनी वर्दी नहीं जब भी फाड़ेंगे मिलेगा सीने वाला दर्जी नहीं अलामतों की मर्जी नहीं उर्दू वर्ड्स तो जो हुक था ना वो बहुत ही ज्यादा कैची था आई मीन मजा आ रहा था उसे सुनने में और ऐसा लग रहा था कि कराची अभी मेरा ही है इसलिए किसी को कोई दिक्कत है तो कराची चलते जो पता चलेगा है कि मैं कौन हूँ तो वो बहुत ज्यादा कैची था ऐसा लग रहा था कि मैं अभी कराची में ही रह रही हूँ और कराची मेरा है ठीक है कोई मुझसे पंगा नहीं ले सकता यहाँ पे बट लिटरली बहुत ज्यादा ऑसम था और मुझे बार बार गाते रहने का मन कर रहा था वो सो जो लाइंस थी हुक की वो ये थी कि कराची चल किसका जोर है कराची पर वो तुझे वहां पे जाने के बाद पता चल जाएगा इसलिए तू कल नहीं तू आज ही चल तो ये जो था स्पेशली जब हमारी किसी से भसड़ हो जाती है किसी से लड़ाई हो जाती है तो तब हम बोलते हैं ना कि तू फोन पे मत बोल तू यहाँ मिल तू वहाँ मिल या कराची तो मेरा है तू कैसे भौंक रहा है तुझे पता चलेगा अभी तो उसी में तलंजुम ने बोला है कि तुझे अभी पता चल जाएगा कि किसी किसका है कराची इसलिए तू वहाँ पे चल तुझे पता चलेगा कि लोग वहाँ मेरे को कितना जानते हैं और कितनी जान पहचान है मेरी और जहाँ तक तू सोच भी नहीं सकता वहाँ तक पहुँच है मेरी इसलिए स्पेशली उन्हीं के लिए है जो ज़्यादा घमंड में रहते हैं और बस फ़ोन पे बकवास करते हैं मैसेजेस में बकवास करते हैं बट रियल लाइफ में और रियलिटी में अगर वो आए और उस बंदे के बारे में जाने तो उनकी देख के मतलब यू नो डर जाएंगे वो कि यार इस बंदे की तो बहुत पहुँचे किससे पंगा ले लिया मैंने बट बहुत मज़ा आया इन द सेंस कि मुझे बहुत अच्छा लगा हुक और तला अंजुम से स्टार्ट हुआ तो तला अंजुम तो लिरिक्स लिखने में इतने ज्यादा माहिर है ना वायस लिरिक्स के साथ खेल जाते हैं लिटरली मुझे वो लाइन तला अंजुम की बहुत ज्यादा अच्छी लगी जो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि दिल टूटा तो जाके चार नोट जोड़े मतलब दिल टूटने के बाद ही मैं संभला और मैंने चार नोट जाके जोड़े मतलब कमाए और वो बहुत सही लाइन थी और ये सच है कि जब इंसान प्यार से निकलता है ना तो खुद पे फोकस करना लगता है अपने करियर पे ध्यान देने लगता है और तब जाके नोट चार जोड़ पाता है तो भाई प्यार से निकलो अभी काम करो अपना ठीक है ना और वो लाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी जो ब्लेड वर्ड यूज करके उन्होंने बोला ना कि स्कूल टाइम पे हम ब्लेड से लड़ते थे और आज ब्लेड की तरह ही हमारे स्वाइप होते हैं मास्टर कार्ड वो लाइन भी मुझे काफी ज्यादा दिमाग लगा के लिख रखा है कि यार ब्लेड से हम यू नो ऐसे मारते थे और ऐसे ऐसे मतलब जो कर जाते हैं ब्लेड से काम वो सेम वही है ब्लेड मास्टर कार्ड में भी सेम वही चीज है पहले हम ब्लेड से लड़ते थे और आज ब्लेड है वही चीज है जब हम उसको स्वाइप करते तो हमें वो स्कूल के दिन याद आते हैं यार बहुत अच्छा चीज है कि मतलब ऐसे ऐसे लॉजिकल चीजें ये लोग लिख लेते हैं ना तो मुझे सुन के एकदम ऐसा हिट करता है मेरे दिमाग में कि यार वाओ अच्छा है ये और वो स्मार्टफोन वाली लाइन कि ये सिर्फ इनका फोन ही सिर्फ स्मार्ट है ये अंदर से खोखले है बेअकल है ये तो मुझे ऐसी ऐसी लाइंस बहुत ज्यादा हिट करती है और स्पेशली तला अंजुम तो बहुत ज्यादा अच्छे लिरिक्स लिख लेते हैं तला अंजुम के बाद बारी आई यास की तो उनके लिरिक्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे और यू नो एकदम कंफ्यूजिंग था कि वो जो जुर्म वाली लाइन जो उन्होंने बोली कि यू नो जंजीरें हैं हाथों में और थाने हैं एंड ऑल ऑफ दैट वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि क्या बोल रहे हैं ये
बट उन्होंने काफी अच्छी लिरिक्स लिख रखे थे यास ने, और मैंने फर्स्ट टाइम सुना है उनको तो मुझे अच्छा लगा उनका लिरिक्स भी। और उसके बाद तला यूनुस की बारी आई तो तला यूनुस ने भी कराची के राज बताए, रात के टाइम में, रात के समय में क्या होता है, बंदूकें बाहर निकल जाती है सबकी, तो राज सिर्फ आपको बताया है, कितने लकी हो आप पता है आपको। तो कराची के बारे में तो मोस्टली इतनी सारी चीजें ना इन्हीं के थ्रू मुझे पता चली है, तो मैं और जानना चाहूंगी कराची के बारे में, क्योंकि अच्छा लगता है यू नो पता चल जाता है काफी सारी चीजें। और तला यूनुस ने स्टोरी वाली कुछ लाइन बोली थी कि स्टोरी पर नर बने, यानी स्टोरी पे ही ज्यादा वो होते हैं, अकड़ में बोलते हैं, नर बन के बोलते हैं, बट इन रियल लाइफ वो ऐसे नहीं है। किसके लिए बोल रहे हैं ये अगर आप मुझे बता सकते हो तो प्लीज बताना, क्योंकि ये पुराना ट्रैक है और उस टाइम पे क्या चीज चल रही थी वो नहीं पता मुझे, तो प्लीज मुझे बताना। और कृष्णा को शाउट आउट भी दिया तला यूनुस ने, मजा आ जाता है जब ऐसे शाउट आउट देते हैं ना एक दूसरे को, कृष्णा भी देते हैं और वायस भी देते हैं, तो मजा आ जाता है। और तला यूनुस की वर्स में उनकी राइमिंग मुझे बहुत पसंद आई, वो जो रोक टोक ब्रोक वो करा रहा वो बहुत ज्यादा एज यूजुअल की तरह बहुत ज्यादा अच्छा था, तो मुझे ट्रैक सुन के अच्छा लगा। ये काफी पुराना है और मैं अब सुन रही हूँ तो मुझे मजा आया ये ट्रैक सुन के। सो या दिस वॉज माई रिएक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको यंगस्टर के कोई पुराने ट्रैक के रिएक्शन मेरे देखने हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करना, मैं जरूर से चेकआउट करूंगी और रिएक्शन करूंगी और अपलोड करूंगी। सो या अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।